चंबा जिला की 3 विधानसभा क्षेत्र को जोड़ने वाला नया बालू पुल लोगों के लिए सिरदर्द बन चुका है। करोड़ों रुपए की लागत से बने इस बालू पुल पर आए दिन कोई न कोई दुर्घटना घटित होती रहती है। बताते चले कि हाल ही में पिछले वर्ष हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कर कमलों द्वारा इस बालू पुल का उद्घाटन किया गया था, पर देखने वाली बात यह है कि दोनों तरफ कोई भी सड़क डिवाइडर नहीं है, जिससे आए दिन कोई न कोई घटना घटित हो रही है और न ही इस पुल के आर पार यात्रियों के खड़े होने के लिए रेन शटर बनाए गए हैं। अब आलम ये है कि बस में यात्रा करने वाले मुसाफिरों को घंटे तेज धूप और बारिश में सड़क किनारे ही खड़े होकर बसों का इंतजार करना पड़ता है। लोग इस पुल की दोनों तरफ रेन शटर और सड़क के बीच रोड डिवाइडर बनाने की मांग कर रहे हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे पुल बना है, बहुत अच्छा पुल बना हुआ है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिला है, बट यहाँ पे एक डाइवर्शन नहीं है, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारे एक्सीडेंट हो चुके हैं यहाँ पे। अभी तक लास्ट डे भी यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ जहाँ पे दोनों पर्सन बहुत ज़्यादा इंजर्ड हुए। तो कम से कम जब तक यहाँ पे रेन शेल्टर नहीं बनता है, जब तक यहाँ पे डाइवर्शन नहीं बनता है, तब तक के लिए यहाँ पे एक पुलिस वाला खड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि सभी जितने भी पर्सन यहाँ पे आते जाते हैं उनको कोई आने में प्रॉब्लम ना हो, और यही सबके लिए सबसे अच्छा होगा। बागा बालू नया पुल जो बना है वो इसकी बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर पुल ठीक बना हुआ है, और इसका जो टर्निंग दोनों तरफ से टर्निंग पॉइंट जो है वो ठीक नहीं बने हुए हैं। इसको खुला किया जाए, हमें प्रशासन से यही हुआ है कि ये टर्निंग पॉइंट जो है बिल्कुल खुले किए जाए और पुलिस की ड्यूटी लगाई जाए। गाड़ी रोड क्लियर होने की वजह से यहाँ पर एक तो हाइट दे दी है इन्होंने, हाइट की वजह से आगे की गाड़ी दिखती नहीं है, एकदम टर्न ले लेते हैं, वो एक दो एक्सीडेंट हो चुके हैं यहाँ पर। उज्जवल हिमाचल के लिए चंबा से शैलेश शर्मा की रिपोर्ट।